नमस्ते। कर्नाटक के गडक जिले से एक बहुत ही दर्दनाक भरी खबर आ रही है और यह खबर रोंगटे खड़ी कर देने वाली है। वहां पर मोहम्मद एजाज सिरूर ने अपूर्वा प्रमाणिक को 23 बार कुल्हाड़ी से मार करके उसकी हत्या कर दी गई है। पूरा मामला लोकल अखबारों में लव जिहाद का बताया जा रहा है। पहले तो मोहम्मद एजाज सिरूर ने MBA पढ़ी लिखी हुई महिला जो खुद नौकरी करती थी अपूर्वा प्रमाणिक को लव जिहाद का शिकार बनाया और अपने प्रेम जाल में फंसा करके उसका धर्म परिवर्तन कर उसे अरफा बानु बनाया और उसके बाद उसे अपने घर ले गया जहां पर वह पहले से शादीशुदा था और उसके बच्चे थे। यह सब खबरें जान करके अपूर्वा अपने मायके वापस चली आती है और उसकी जातियों के खिलाफ डाइवोर्स के लिए अपील करती है। और इसी बीच जब वह बाइक चलाने की प्रैक्टिस कर रही थी तभी मोहम्मद एजाज सिरूर वहां आ धमकता है और 23 बार बेरहम तरीके से कुल्हाड़ियों से उसे मार मार कर उसकी हत्या कर देता है। और यह बताता है कि कितना विभत्स और कितनी घृणा और कितना नफरत लिए वो मन में बैठा था। इस तरह से हत्या करना इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला है। और जब आप पहले से शादीशुदा हैं, लोगों को लव जिहाद का शिकार बना रहे हैं और जब लोग आपके खिलाफ डाइवोर्स अपील करते हैं तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते और सीधे साधे मासूम इंसानों की हत्या कर देते हैं। वैसे भी कर्नाटक इसके पहले बुर्का विवाद में भी चर्चा रह चुका है और लव जिहाद आज भी पूरे देश के लिए एक गंभीर समस्या है।